गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं अभी अकेले ही हिडम्बा धाम बनखंडी महाराज जी के आश्रम में जा रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है तो आपको मैं दिखाता हूँ गुरु पूर्णिमा में किस तरीके से गुरुदेव का पूजन होता है। बहुत बड़ा पर्व है, आज पूर्णिमा तिथि है। तो जंगल के रास्ते में जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, पैदल रास्ता में जा रहा हूँ हिडम्बा धाम। तो अभी अकेले ही जा रहा हूँ, मॉर्निंग में अभी विश्वनाथ वाले आएंगे थोड़ी देर में, तो आप बने रहे मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों, जैसे मैं हिडम्बा धाम जा रहा था तो रास्ते में मुझे ये गरुड़ताल मिला है। गरुड़ताल देखिए, गरुड़ताल, तो दोस्तों आप देख रहे हैं गरुड़ताल, बहुत दूरी से दिखा रहा हूँ मैं गरुड़ताल। बहुत सुहावना लग रहा है क्योंकि मॉर्निंग का समय है। तो अभी बने रहे आप मेरे ब्लॉग पर, अभी हरियाली के इस वादियों में हिडम्बा धाम के दर्शन भी आपको कराऊँगा गुरु पूर्णिमा में। तो दोस्तों, ठीक पीछे देख रहे हैं आप मेरे गरुड़ताल। तो हिडम्बा जा रहा था तो रास्ते में मुझे गरुड़ताल मिला, तो मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं गरुड़ताल के दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत ही सुहाना, बहुत ही आकर्षक। तो कैसा लग रहा है आपको ज़रूर बताएं मुझे, और बने रहे मेरे ब्लॉग पर। अब मैं सीधे चलता हूँ हिडम्बा धाम और बनखंडी महाराज जी के दर्शन कराता हूँ, देवी माता के दर्शन कराता हूँ। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों, मैं पहुँच गया हूँ नल दमंती ताल। अभी तक मैं गरुड़ताल दिखा रहा था आपको, गरुड़ताल की लेक, यह है नल दमंती ताल की लेक। ये देख रहे हैं आप नल दमंती ताल। तो कैसा लग रहा है नल दमंती ताल की ये ताल, आप ज़रूर बताएं ये नल दमंती ताल। अब सीधे चलता हूँ हिडम्बा मंदिर, और हिडम्बा मंदिर में बनखंडी महाराज जी के और देवी माता के दर्शन कराता हूँ गुरु पूर्णिमा में। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर। तो दोस्तों, मैं सातार के पैदल रास्ते पर चल रहा हूँ, अकेले ही हूँ अभी मैं। तो अभी 3-4 किलोमीटर पैदल चलते हुए आ रहा हूँ मैं। नल दमंती ताल गया, नल दमंती ताल की लेक दिखाई मैंने आपको, और पैदल ही ये झाड़ियाँ हो रही हैं, देख रहे हैं आप। ये पैदल रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, अभी तो बहुत दूर है हिडम्बा धाम बनखंडी महाराज जी का आश्रम। चढ़ाई ऊंची चढ़ाई पर है, चोटी पर है। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर, जल्दी ही मैं आपको दर्शन कराता हूँ हिडम्बा धाम के। तो बने रहे मेरे ब्लॉग पर। जय माता दी। आज का नया ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव का वंदन किया जाता है। आज जो है गुरु पूर्णिमा होने की वजह से सभी मंदिरों में सुंदरकांड और रामायण होती हैं। गुरु पूर्णिमा को हमें गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आज से प्लेन्स में जो है सावन माह आरंभ हो जाएगा, और हमारा जो सावन माह आरंभ होगा वो 16 जुलाई से होगा, हरेला पर्व जब से होगा। तो गुरुदेव का वंदन करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा में रात्रि में जो व्रतीय रहते हैं सुबह से रात्रि तक, तो चंद्रमा का पूजन अवश्य करें। ओम सोम सोमाय नमः का जाप अवश्य करें। अपने गुरुदेव का ध्यान करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। तो गुरु पूर्णिमा का ये पर्व आप सभी को मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आज का जो है ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। छोटी सी वीडियो है, केवल गुरु पूर्णिमा के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि गुरुदेव का वंदन करना चाहिए, मंदिरों में सुंदरकांड रामायण में शामिल होना चाहिए, और गुरुदेव का वंदन इस तरीके से करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दोस्तों, आखिरकार हिडम्बा पहुँच ही गए हैं, अब देवी माता के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार मैं हिडम्बा मंदिर पहुँच चुका हूँ, और देवी माता के दर्शन कराता हूँ, और गुरुदेव का पूजन किस तरीके से होता है सब कुछ दिखाता हूँ। तो बने रहें इस ब्लॉग पर। हिडम्बा मंदिर पहुँच चुका हूँ। जय माता दी। तो 3 किलोमीटर पहले पैदल यात्रा करने के बाद मैं वन देवी माता हिडम्बा मंदिर पर पहुँच चुका हूँ, और माता के दर्शन करा रहा हूँ महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती माता के गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। तो अभी गुरुदेव का पूजन दिखाते हैं। तो वंदे माता के पवन मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ हिडम्बा माता के। ऊँची चोटी बस्ती थे माता का पवन मंदिर, और वर्षा भी शुरू हो चुकी है मेरे मंदिर पहुँचते पहुँचते। तो सभी भक्तजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में बने रहें गुरुदेव का पूजन दिखाता हूँ। तो बने रहें गुरु। तो देख रहे हैं महाराज लोग किस तरीके से आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो गुरुदेव का ही पूजन होता है हिडम्बा मंदिर पर। थोड़ी देर में बनखंडी महाराज जी का पूजन दिखाऊंगा मैं अपने ब्लॉग के जरिए। अभी सभी महात्मा लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दादा लोग, तो दिखाते हैं बने रहे। तो माता का पवन मंदिर देख रहे हैं अब हिडम्बा माता का। तो सभी भक्तजन यहाँ पर पहुँच चुके हैं गुरु पूर्णिमा में।
भक्तजनों की आने की संख्या बढ़ रही है अभी यहाँ पर, और बारिश भी शुरू हो चुकी है, देख रहे हैं विडम्बा मंदिर गुरुपूर्णिमा में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। विडम्बा मंदिर पहुँचते ही थोड़ा आराम कर रहा हूँ, बाबा जी के साथ बैठा हूँ। बाबा जी आप गुरु पूर्णिमा है? हाँ गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में गुरुदेव का पूजन होता है, महाराज लोगों का भी पूजन होता है? हाँ सब गुरु मूर्ति का पूजन होता है। तो देख रहे हैं भंडारा होता है, भंडारा भी होगा विडम्बा मंदिर को, तो बने रहने लगे।